नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में उत्तराखंड निवासी 5 युवकों की मौत हो गई। हादसा थाना इज्जत नगर के दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुआ। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के रामनगर से स्विफ्ट गाड़ी में 5 युवक हरदोई स्थित एक दरगाह में जियारत करने जा रहे थे, तभी दिल्ली नेशनल हाईवे पर कार का टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ से आ रही ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार सभी युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के अनुसार इज्जत नगर थाना क्षेत्र के बिलवा पुल के पास आज सुबह ये हादसा हुआ, जब कार का टायर फटने से गाड़ी ट्रक से टकरा गई। सभी मृतक उत्तराखंड के रामनगर जिले के रहने वाले थे। मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। दरअसल उत्तराखंड के रहने वाले 5 यात्री कार से हरदोई में जियारत के लिए बिलग्राम दरगाह जा रहे थे। जैसे ही लोग इज्जत नगर इलाके में नेशनल हाईवे पर लालपुर चौराहे पर पहुंचे, उनकी कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कार सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान उत्तराखंड के नैनीताल जिले के थाना कोतवाली के रहने वाले मोहम्मद सगीर, मुजमिल मोहम्मद ताहिर, इमरान और मोहम्मद फरीद के रूप में हुई है। शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल मौर्चरी भेज दिया गया है। हादसे के बाद एएसपी रोहित सिंह सजवान का कहना है कि इज्जत नगर क्षेत्र में सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। सभी के शवों को पोस्टमार्टम हाउस पहुँचा दिया गया है। पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।